एक स्टॉक है जो की चर्चा ना करूं तो मजा नहीं आएगा। IRCTC दिखाइए जरा भाई। IRCTC कितनी जबरदस्त रैली इसमें बनी है, 4,000 के पास से पहुंच रहा है राहुल जी। इसमें 28 अगस्त से अगर देखिए आप तो एक तरफा स्टॉक चल रहा चल रहा चल रहा चल रहा है, और उसके बाद फिर और तेजी इसमें बनी है। फिर अब इस समय आप देखिए एकदम स्ट्रेट लाइन जा रही है, और पिछले 6 तारीख से यानी 6 सितंबर से लेकर के आज तक, या आज तक मान लीजिए एक दिन पहले मान लीजिए, ह्यूज वॉल्यूम हुआ है इसमें। क्या अब भी इसमें एंट्री का मौका है? क्योंकि अभी हमने पिछले 10-15 दिन में जितनी बार पूछा उतनी बार ये लोग कहते हैं कि थोड़ा गिरे तो ले लीजिएगा, अब वो गिरता ही नहीं है। बेशक 4,000 हो गया, क्या करें बताइए। सर, बेशक सर। देखिए, जिस जिस ड्यूरेशन की आप बात कर रहे हो उसमें जैसी मैंने देखा तो सर मात्र सिर्फ 3 लाल कैंडल मुझे नजर आ रही है, बाकी सिर्फ सारी हरी कैंडल्स हैं। यानी कि हर दिन इसने एक बहुत ही बढ़िया अच्छा मूव दिखाया है, वॉल्यूम्स भी बहुत शानदार हैं। बट सर अगर आप देखेंगे चार्ट स्ट्रक्चर में मुझे पूछेंगे तो अभी स्टॉक काफी महंगा लगता है सर। MACD को अगर आप देखें तो वो 334 पे चल रहा है, RSI 89 पे चल रहा है, मतलब थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में चला जा चुका है अब स्टॉक। तो इसलिए यहाँ पे परचेज करने की राय हम नहीं दे सकते सर, क्योंकि यहाँ से अगर अगर इसमें अगर हल्की सी भी प्रॉफिट बुकिंग आई तो इस स्टॉक को थोड़ा नीचे की तरफ खींच के ले जाएगा, करीबन 3,400-3,300 के आसपास। तो मुझे लगता है कि उस गिरावट का आपको इंतजार करना चाहिए। IRCTC सिर्फ ना शॉर्ट टर्म के हिसाब से ना लॉन्ग टर्म के हिसाब से सभी स्ट्रक्चर पे बहुत ही अच्छा खड़ा उतरता है, बट हल्की सी गिरावट का वेट करना पड़ेगा। आज अगर स्टॉक लेंगे तो आप काफी ओवर वैल्यूड पोजिशन आपकी बनेगी, तो थोड़ा सा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखते हुए थोड़ा सा वहां पे डर लगता है। बट थोड़ा गिरावट मिले तो आप बेशक इसमें अपनी पोजिशन बनाएं। IRCTC कंपनी सर मोनोपोली बिजनेस में चलती आ रही है, और अब जो जिस टाइप से अनलॉक की थीम्स चल रही हैं, ट्रैवल्स बढ़ रहे हैं, ट्रेन्स में आना जाना बढ़ रहा है, बहुत ही बढ़िया इसका आपको इम्पैक्ट स्टॉक के अंदर भी आता हुआ दिखेगा। करेक्ट। तो मार्केट विजडम ये कहता है कि जब कोई हवा की तरह उड़ रहा हो तो थोड़ा सावधान हो जाइए, लेकिन भाव भगवान है। अब आप तय करिए, हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसे स्टॉक्स में जो वन साइडेड रैली दिखा रहे हैं तो आप वहाँ पे थोड़ा सा, मतलब आपको प्रैक्टिकल अप्रोच ज़रूर रखना चाहिए। लेकिन हाँ, स्टॉक ने जो है ड्रीम रन दिखाया है तो आपको उसमें पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब देने